भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला पधार रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा का यहां पार्टी कार्यकर्ता भव्य स्वागत अभिनंदन करेंगे। अपने 3 दिवसीय 7, 8 व 9 अक्टूबर के तय शेड्यूल के तहत बिलासपुर के बाद मंडी व कुल्लू जिलों के दौरे पर रहेंगे। कुल्लू में रात्रि ठहराव के बाद 10 अक्टूबर की सुबह नड्डा का दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र व हरियाणा राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में अपने अति व्यस्ततम शेड्यूल के बीच समय निकालकर हिमाचल दौरे पर आ रहे नड्डा बिलासपुर में दुर्गा पूजा उत्सव समिति की ओर से नवरात्र में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। गुरुवार को बिलासपुर के परिधि गृह में पार्टी के राज्य अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, संगठन मंत्री पवन राणा और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्बाल, पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा, विधायक सुभाष ठाकुर, जे आर कटवाल, पायल वैद्य, जिलाध्यक्ष राकेश गौतम सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने मंत्रणा की और कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार की है। इसके बाद भाषा विभाग के सभागार में आयोजित जिला भाजपा की बैठक में सत्ती ने नड्डा के दौरे को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में एक बार फिर तेज बरसात के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बरसात से मौसम पूरी तरह से ठंडा ठंडा हो गया है और पहाड़ियां भी धुंध से ढक गई हैं। इसके अलावा स्वारघाट क्षेत्र में बरसात के साथ साथ पहाड़ियों पर गहरी धुंध छाई रही, जिस कारण राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली पर गाड़ियों को दिन में भी लाइट चलाकर सफर करना पड़ा। पहाड़ियां धुंध से ढकी रही और विजिबिलिटी भी कम हो गई और भारी बरसात के कारण सड़कों पर भी पानी भरा रहा, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ज्वालामुखी के रहने वाले एक श्रद्धालु द्वारा दान किए गए वाटर कूलर को बस स्टैंड ज्वालामुखी पर स्थापित किया गया था, लेकिन वो मात्र शोपीस बनकर रह गया है। इस वाटर कूलर में पानी के कनेक्शन को लेकर नगर परिषद ज्वाला जी का तर्क है कि वाटर कूलर में पानी की सप्लाई पहुंचने के लिए उन्हें नेशनल हाईवे की सड़क में खुदाई करनी पड़ेगी, जिसे लेकर उन्होंने हमीरपुर स्थित नेशनल हाईवे के अधिकारियों को 2 बार ईमेल करके इसकी परमिशन लेने के लिए भी बात की, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। नगर परिषद का कहना है कि जैसे ही उन्हें अनुमति मिल जाती है, वे सड़क खोदकर इसमें पाइप निकालकर इस वाटर कूलर को चालू कर देंगे। हैरत की बात है कि इतना समय बीत जाने के बाद भी नगर परिषद विभाग ने वाटर कूलर में पानी की सप्लाई देने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं ढूंढा है, और दूसरी ओर विभाग अपना पुराना राग अलाप कर इस मामले से पल्ला झाड़ रहा है। इस मामले को लेकर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रावत से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें यहां उनके विभाग की ओर से खुदाई का काम शुरू किया जाएगा, ये पानी का कनेक्शन कूलर में लगवा दिया जाएगा। हैरानी की बात है कि नवरात्रे शुरू होने में मात्र कुछ ही दिन शेष हैं और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने का वायदा विभाग के धरातल पर उतरता नजर नहीं आ रहा है, और वे किससे छिपे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ज्वालामुखी बस स्टैंड में एक वाटर कूलर पिछले 2 महीने से लगा हुआ है, लेकिन आज तक इसे चालू नहीं किया गया। आईपीएच विभाग इस वाटर कूलर को पानी का कनेक्शन नहीं दे रहा है। लोगों ने विभाग से गुजारिश करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द विभाग इस वाटर कूलर में पानी का कनेक्शन दे, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। ज्वालामुखी में आने वाली 29 सितंबर को नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्रों के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं।
इस मामले में आईपीएच विभाग के एसडीओ प्यारेलाल ने कहा कि बस स्टैंड ज्वालामुखी में स्थित वाटर कूलर में पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। इस बारे में आज ही उन्हें पता चला है। विभाग जल्द ही पानी का कनेक्शन इस वाटर कूलर के लिए मुहैया करवाएगा ताकि लोगों को पीने का पानी 24 घंटे मिल सके। जम्मू कश्मीर से जब से अनुच्छेद 370 और 35 ए को हटाया गया है, तब से पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान के आतंकवादियों के बलबूते भारत में दहशत फैलाना चाहता है। इसको लेकर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने भारत के कई शहरों में आतंकी हमलों की चेतावनी दी है। इसमें विभिन्न शहरों के सात प्रदेश के साथ लगता पठानकोट शहर भी है, जिसे लेकर आतंकी हमले की बात कही गई है। जहां इस चेतावनी के साथ पठानकोट में सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं, वहीं पठानकोट के साथ लगते नूरपुर क्षेत्र में भी नूरपुर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। डीएसपी नूरपुर शाहिल अरोड़ा की माने तो नूरपुर पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी मुस्तैदी बढ़ा दी है। रात को जगह जगह पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया गया है ताकि किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश न रहे।